बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर हो गया है, जो इंटरिम बेल थी वो ग्रांट कर दी गई है ड्राइवर और कैमरामैन को एट द सेटिस्फैक्शन टू द ट्रायल कोर्ट। तो कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है, ऐसा हमारे जो सहयोगी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ड्राइवर और कैमरामैन को अंतरिम जमानत मिली और ये फैसले में लिखवाया जा चुका है। बहुत जल्द हम आपको इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाएंगे। ड्राइवर और कैमरामैन को अंतरिम जमानत मिली और जैसे ये हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं वो लोग जो रातों में नहीं सोए, वो लोग जिन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया, वो लोग जो लगातार भावना के बारे में चिंतित हैं। अभी आपने देखा न्यूज रूम में कितना बड़ा सेंस ऑफ रिलीफ उनके चेहरे पर आपको दिखाई दे रहा था। न्यूज रूम की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और रविकांत आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। रविकांत बहुत जल्दी से देखिए, हमारे साथ जो हमारे कैमरा पर्सन हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कान है क्योंकि मैं मृत्युंजय और परमिंदर के साथ कई टूर में रहा हूं। दो दिनों तक लगातार बार बार जज ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि इन दोनों लोगों को आपने जेल क्यों भेजा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार इस बात का उल्लेख किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि दिनेश जो नियम कानून थे उसको ताक पर रखकर इन दोनों को जेल भेजा गया था और न्याय के मंदिर में आज न्याय हुआ है। हमारे ड्राइवर परमिंदर और हमारे कैमरा पर्सन मृत्युंजय दोनों को एंट्रिम बेल ग्रांट की गई है और इससे ज्यादा सुखद अनुभूति नहीं हो सकती क्योंकि बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के आप कानून का, सत्ता का इस तरीके से दुरुपयोग करते हैं। तो जब हम न्यायालय की अदालत में जाते हैं, उसकी चौखट पर जाते हैं, तो न्याय मिलता है क्योंकि हमने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की थी। डीजे और ड्राइवर की और हमारे सहयोगी भावना की कोई गलती नहीं थी और इस बात को कोर्ट ने मानते हुए उन दोनों लोगों को भी एंट्रिम बेल ग्रांट कर दी है और इसकी सुखद अनुभूति जो है आपने न्यूज रूम में देखी और जितने हमारे सहयोगी हैं, कैमरा पर्सन हैं, उनके चेहरे पर भी इस वक्त मुस्कान है क्योंकि आप मृत्युंजय और परमिंदर भी जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। ये वो लोग हैं जो आपके लिए खबरें जुटाते हुए दिन रात नहीं देखते, ये वो लोग हैं जो अपने परिवारों में तीज त्योहारों के मौके पर भी मौजूद नहीं रहते, आपके लिए खबरें जुटाते हुए बाहर रहते हैं। वो रिपोर्टर हो, वो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो, हमारा सारथी हो, या फिर हमारा कैमरामैन हो, ये लगातार चिलचिलाती धूप में, बरसते पानी में, कड़ाके की ठंड में आपके लिए खबरें जुटाते हुए बाहर रहते हैं। सच आपके सामने आए इसलिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और ऐसे में अगर सत्ता की बेवजह चाबुक उन पर पड़े तो आप देखते हैं कैसे इंटरवीन करता है इंसाफ का मंदिर और उनको बताता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं और ये ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त, इस बीच में कितना ज्यादा हैरेसमेंट उन लोगों को झेलना पड़ता है जो सिर्फ अपने फर्ज को अंजाम देने की राह में आगे बढ़ रहे थे। शिवानी, बिल्कुल, देखिए बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर हुई है हमारी पूरी टीम की, इंटरिम बेल यहाँ पर मिल गई है और बहुत ही राहत की बात है, न सिर्फ मृत्युंजय के लिए, परमिंदर के लिए, हम सब के लिए और उनके परिवारों के लिए जो अब तक चिंता में थे। हमने लगातार बातचीत की, दिखाया परमिंदर की जो पत्नी है उन्होंने विश्वास जताया था न्यायालय पर, आज उनको उनका जो भरोसा है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया होगा और जिस तत्परता के साथ, जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ हम अपनी खबरें दिखाते हैं और ज़्यादा मजबूती के साथ लगातार इस तरह की खबरें दिखाएंगे। और अभी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है, आपको बता दूँ जो गौरव अंदर से हमें जानकारी दे रहे हैं वो ये कि अभी भी ऑर्डर लिखने के बाद डिक्टेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, यानी कि ये उसका एक पहलू है कि इंटरिम बेल दे दी गई है ड्राइवर और विजय को। लेकिन जो और एक और अपडेट यहां पर है कि मामला लंबित रहने तक जांच पर रोक लगाने की मांग यहां पर भावना के जो वकील हैं उन्होंने की है। मामला लंबित रहने तक जांच पर रोक लगाने की मांग है यहां पर क्योंकि अभी लगातार डिक्टेशन जारी है इस पूरे मामले में। अभी पूरी तरह से जो ऑर्डर है वो बताया नहीं गया है, वो पढ़ा जा रहा है, ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है। भावना लॉयर जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट को कि जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टे कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी पूरे मामले में आप देखिए कि इंटरिम बेल यहाँ पर दे दी गई है और रिप्लाई का इंतज़ार करना होगा। ये कोर्ट ने कहा है कि हम रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे क्योंकि सरकार को, पंजाब की सरकार को इस पर एक जवाब देना है कि जो क्वेशन ऑफ द FIR की अपील हमारी थी उस पर सरकार ने ये कहा है कि वो रिप्लाई देना चाहती है। तो जो कोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो रिप्लाई है उसको आने दिया जाए और अंतरिम जमानत जो है भावना की और हमारे जो जो हमारे विजय हैं
उनकी और भावना की जो अंतरिम जमानत है वो अगली सुनवाई तक बढ़ा दी गई है। यह भी एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि अगली सुनवाई अगर होती है तब तक अंतरिम बेल जो है वो जारी रहेगी और पुलिस का जवाब आने तक हम देखेंगे, ये जज कह रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पे कि इंटरिम बेल हमारे तीनों सहयोगियों को मिल गई है, भावना को 6 मई को।